लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। हेलमेट दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस फाइनली BGMI के अंदर आज A2 रॉयल पास का वीक सेवन भी ओपन हो चुका है। तो गाइस चलिए वीक सेवन को हम लोग फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आप लोग वीक सेवन के सारे मिशन बहुत ईजिली कम्प्लीट कर सकते हो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कैसे सर, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वीक सेवन के सबसे पहले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है पिकअप मोलोटोव कॉकटेल इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो कैसे सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मोली होती है उसको आप लोग को पिकअप करना है 5 मैचेस में, वो भी क्लासिक मोड के अंदर। देखो मोली तो ईजिली अब मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप बता दो कि अगर आप 4-5 मोली पिकअप कर लेते हो तो एक ही काउंट होगा, तो आपको 5 मैचेस लगेंगे इसको पिकअप करने में। एंड इसको चलते अपने अगले मिशन पे, जिसमें लिखा है गिव 12 लाइक टू टीममेट। आप लोग को अपने टीममेट्स को बार बार लाइक करना है। देखो ये भी बहुत ईजी है, कोई TDM के लो उसमें ही कर सकते हो। अगर आप रेंडम बंदों को करोगे TDM में, वो भी काउंट होता है। तो इस तरीके से आप लोग करोगे तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फिनिश 2 एनिमीज विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। आप लोग को 2 बंदों को फिनिश करना है हेडशॉट मार के। यार कोई बंदा नॉक दिखे, आप हेडशॉट मार के फिनिश कर दो। आप लोग जिस तरीके से 2 किल कर लोगे एक ही मैच के अंदर में कम्प्लीट हो जाएगा ये वाला मिशन बहुत ईजिली। एंड इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है रिपीटेबल वीक 7 ओनली स्पेंड 100 मिनट इन मैचेस। तो गाइस सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को क्लासिक मोड के अंदर 100 मिनट स्पेंड करना होता है, और जैसे आप लोग कर लोगे तो आप लोग को 60 पॉइंट मिल जाएगा RP पॉइंट। एंड ये मिशन राउंड होता रहेगा, और आपको बता दो ये अभी वीक 6 का चलेगा, वीक 7 का चलेगा भी नहीं। एंड इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फ्रेंड बूस्ट। फ्रेंड बूस्ट क्या होता है मैं आप लोग को समझा दूँ। जैसे कि आपने डुओ या स्क्वाड में कोई बंदा लिया, वो बंदा भी आपका फ्रेंड होता है एंड उसने भी रॉयल पास लिया होता है। तो अगर वो बंदा वो खुद के लिए मिशन कंप्लीट करता है तो साथ ही साथ आपका भी कंप्लीट हो जाएगा, अलग से कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करोगे तो उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। लिखा हुआ है कि फिनिश 10 एनिमीज विद SMG इन एरेंगल इन क्लासिक मोड। तो क्या सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को SMG गन्स जो होती हैं उनसे आपको 10 किल करना है। और SMG गन कौन कौन सी होती हैं आइए मैं आप लोग को दिखा दूँ। सबसे पहले आती है UZ, UMP, विक्टर, थॉमसन, बाइजन एंड उसके बाद MP5 एंड P90। कैसे सारी गन अपने आप में बीस्ट गन है, अगर आप चला पाओ तो इनमें से किसी भी गनों से आपको 10 किल करना है, वो भी क्लासिक मोड के अंदर किसी भी मैप में। तो आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फ्रेंड बोनस। फ्रेंड बोनस क्या होता है मैं आप लोग को समझा दूँ। जैसे कि आपने डुओ स्क्वाड में कोई बंदा लिया, वो बंदा आपका फ्रेंड होता है एंड उसने भी रॉयल पास लिया होता है। तो अगर वो बंदा आपके साथ ये वाला मिशन कंप्लीट कर लेता है, मतलब उसका कंप्लीट हो जाता है और आपका भी कंप्लीट हो जाता है, तो आपको 30 RP पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन मिशन आपको खुद ही कंप्लीट करना होगा। मिशन में लिखा हुआ है फिनिश 1 एनिमी विद शॉर्ट गन इन एरेंगल इन क्लासिक मोड। तो गाइस सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को शॉर्ट गन से 1 किल करना है, वो भी एरेंगल के अंदर। अब शॉर्ट गन में आपको दिखा दूँ कि देखो इस सबसे पहले आती है S686, S189, 7 S12K DBS। DPS तो हम सभी की फेवरेट हो चुकी है इस टाइम पे। तो उसका जाते हैं M1014 NS200, पता नहीं इसका क्या काम है। तो क्या सर, इनमें से किसी भी शॉर्ट गन से आप लोग को नॉर्मली क्लासिक मोड के अंदर 1 किल करना है, और जैसे आप लोग कर लोगे आप लोग का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है टीम बूस्ट। टीम बूस्ट का होता है मैं आप लोग को समझा दूँ। जैसा कि आपने स्क्वाड लगाया, स्क्वाड के जो बंदे हैं वो आपके फ्रेंड होते हैं एंड एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। तो अगर उनमें से कोई भी एक बंदा ये वाला मिशन कंप्लीट करेगा तो जो 3 और मेंबर हैं स्क्वाड के उनको अलग से कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बंदा करेगा सभी का काउंट हो जाएगा। मिशन में लिखा हुआ ओपन एयर ड्रॉप 6 टाइम विद टीममेट इन क्लासिक मोड। तो वैसे सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ड्रॉप गिरता है, सरकारी ड्रॉप बोल लो या जो ड्रॉप गिरते हैं, क्या उनको आप लोग को लूटना है 6 टाइम, वो भी आपके टीममेट जब आपके साथ हो। और आपको बता दो कि अगर आपका टीममेट ओपन कर दे या चाहे आप ओपन करो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ओपन करेगा सभी का अकाउंट हो जाएगा, तो कोई भी बंदा वो लूट लेगा तो दिक्कत की बात नहीं है। एंड गाइस इसके चलते अपने अगले वाले मिशन पर, जिसमें लिखा है फिनिश 5 एनिमीज विद DP28 इन एनी मोड। तो गाइस सर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को 5 किल करना है DP28 से किसी भी मोड के अंदर। तो गाइस सर, मैं ये कहूँगा कि भाई इसको TDM में आप लोग ईजिली कर सकते हो जल्दी जल्दी कम्प्लीट। पर मेरा कॉम्बो यही चलता है कि DP और DBS,
तो दोनों बेस्ट कॉम्बो है, तो आप लोग इसको क्लासिक में भी कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है पिकअप स्कारल इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो गाइस जो स्कारल गन होती है उसको आप लोग को पिकअप करना है 5 मैचेस के अंदर में। नॉर्मली आपको पिकअप करना, अगर आप चलाना चाहो तो चला लेना, नहीं तो आप फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे, जिसमें लिखा वीक 7 ओनली लॉग इन इनटू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 3 डेज। तो गाइस सर आप लोग को लगातार 3 दिन गेम लॉग इन करना है, और जैसे लॉग इन कर लोगे मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपको बता दूं कि अभी वीक 7 का नहीं, वीक 6 का काउंट होगा, अगले वीक में वीक 7 का काउंट होगा। एंड इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है पिकअप एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैक 1 टाइम इन क्लासिक मोड। एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैक तीनों गन का आता है, SMG, AR, स्नाइपर, तीनों में से किसी भी एक गन का पिकअप कर। देखो AR का तो ईजिली मिल जाता है, तो अगर आप AR का पिकअप कर लेते हो तो आप लोग का ये वाला मिशन ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आप SMG का भी कर लेते हो तब भी कम्प्लीट हो जाएगा, अगर आप स्नाइपर का भी कर लेते हो तब भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ईजिली ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। एंड इसको चलते हैं अपने सेकंड लास्ट वाले मिशन पर, जिसमें लिखा है डिस्ट्रॉय 2 व्हीकल टायर्स इन क्लासिक मोड। आप लोग को 2 गाड़ियों के टायर को डिस्ट्रॉय करना है। देखो 2 टायर डिस्ट्रॉय करना, बहुत से बंदे यही कहते हैं 2 गाड़ियों के टायर डिस्ट्रॉय करना है, ऐसे नहीं। आपको 2 टायर, जैसे कि एक बग्गी में 4 टायर होते हैं, तो अगर आप 2 डिस्ट्रॉय कर दोगे तो इससे आपका जीवन मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मली 2 टायर को डिस्ट्रॉय करना है, और जैसे ही कर दोगे आप लोग का जीवन मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। एंड गाइस अब चलते अपने लास्ट मिशन पर, जिसमें लिखा फिनिश 3 एनिमीज इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। आप लोग को एक क्लासिक मोड में 3 किल करना है नॉर्मली बस, और जैसे 3 किल कर लोगे किसी भी गन से, किसी भी जगह पे, कहीं पे भी, तो आपको 3 किल करना है नॉर्मली, और जैसे मैच खत्म हो जाएगा, मर के आप लोग में आओगे, आप लोग का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस यही थे वीक 7 के सारे मिशन, मैंने आप लोग को सारे मिशन बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो गाइस बाय, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल।